So the next topic is evaluation of eigen values and eigen vector. अब तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स गिवन है, तुम्हें डायरेक्टली उस मैट्रिक्स से उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके आइगन वेक्टर, ठीक है। अगर ये काम करना आ गया, पहले ये काम करना आना चाहिए, ठीक है। वहीं से हम उसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे, वहीं से कॉरस्पॉन्डिंग किसी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना सीखेंगे कि वो क्या होगी, ओके। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना सारा काम किया हमने नल्टी पे और रैंक पे, वहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नहीं आता है किसी को तो मैट्रिक्स में जब लीनियर सिस्टम होमोजेनियस किया वहाँ से आ जाएगी। बहुत सारे मेथड है करने के, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप वहाँ से एन की और रैंक वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। अब है इवेल्यूएशन ऑफ आइगन वैल्यू। अब तुमने एक टी फर्स्ट जो हम आइगन वैल्यू लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं पहले लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में, कि तुमने एक टी है और लीनियर ऑपरेटर मान लिया वी टू वी या वी ओवर एफ, एफ इज ए फील्ड, ओके। देन लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये तो अभी हमने कर लिया, या इसी को मैट्रिक्स में बोल सकते हो कि ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर, ठीक है। ये सेम किसके लिए बोल सकते हो आप, मैट्रिक्स के लिए। अब हम सारे जितने भी काम है फिलहाल हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें दोनों लेके चलेंगे, और आगे तुम्हें काम करना हो तो आप मैट्रिक्स पे लिख दो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, लीनियर ऑपरेटर, है ना, क्योंकि जो मैट्रिक्स के लिए हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, लीनियर ऑपरेटर के लिए। लीनियर ऑपरेटर की बात हो रही है तो वहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी मैट्रिक्स पे तुम्हें आना पड़ेगा, मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिफाइनिंग फॉर्मूले से, वहाँ पे फिर उसकी आइगन वैल्यू और जो भी पूछा गया वहाँ से उसकी निकालोगे आप आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, ओके। यहाँ से दो चीज़ें होगी, एक तो होगी तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल और एक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल, तो जो तुम ऊपर जो तुम ये लेके चल रहे हो ए माइनस लैम्डा आई, जब तुम इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दोगे, ए माइनस लैम्डा आई है, इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दोगे तुम्हारे पास एक पॉलीनोमियल आ जाएगी, ठीक है। और ए का तुम कितने ऑर्डर लेके चल रहे हो, एन क्रॉस एन, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ लैम्डा इज ए एन डिग्री पॉलीनोमियल कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल है तो यहां से एफ ऑफ लैम्डा लिख दो, या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल तो उसको हम क्या लिखना पसंद करते हैं, सी ऑफ एक्स। तो यहां से अगर तुमने ए का ऑर्डर कितना ले लिया, थ्री क्रॉस थ्री ले लिया, तो सी ऑफ एक्स वो ऐसे आएगी एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस इसका जो कोफिशियंट है वो वन आएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखे, ए नोड फिर ए वन एक्स और फिर यहाँ से ए टू, ये तुम्हारे पास इस टाइप की थ्री क्रॉस थ्री के लिए करेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल आएगी। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे लैम्डा यूज करो, यहाँ पे आप एक्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल की इंट्यूशन देगा कि वेरिएबल है ना, इसलिए आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखोगे वहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा, यानी जो इक्वेशन बनाओगे किसी में बनाओगे लैम्डा भी बनाओगे, लैम्डा बना के तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एक पॉलीनोमियल आ जाएगी, ओके। और जब इसी पॉलीनोमियल को तुम इक्वल टू किसके रख दोगे, जीरो के रख दोगे, तो वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो वो डेफिनेशन हो जाएगी तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यानी ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। एक अगर तुम्हारे पास ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन है, जहाँ कहीं भी हम ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन ही लेके चलेंगे, अंडरस्टूड है अभी ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम किस पे चला हुआ है, स्केयर मैट्रिक्स पे। तो एक स्केयर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, यानी ए माइनस लैम्डा आई है, उसको क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, और तुम्हारे पास उसकी क्या आ जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, हाँ जी हाँ जी, डिटरमिनेंट को रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स तो जीरो, अभी इतना बताया तो था कि मैट्रिक्स का जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, बट उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ये था ना ए इंटू
a into x is equal to lambda into x, a minus lambda into i into x is equal to 0. यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि a माइनस लैम्डा आई है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे तो राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है. x नॉन जीरो वेक्टर है, देन a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो वहाँ से उसकी क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यू. ठीक है, तो आपको अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे a माइनस लैम्डा आई. लैम्डा कोई भी आप स्केलर लेके चलोगे, कोई भी नंबर है ए माइनस लैम्डा आई में. अब जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतनी डिग्री की तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगी. ठीक है, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको जीरो के इक्वल रखोगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप सोल्व करोगे. सोल्व, अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, अगर तुम्हारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो ज़्यादा कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, दो डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी. दो डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए तुम्हारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इनटू ए. ए बी सी अंडरस्टूड है, आप क्या लेके चलते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना. तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आंख मिच के कैलकुलेशन करनी है. कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, रियल में आएंगे तो रियल में. डायरेक्टली तुम्हारे पास मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, क्या हुआ, कोई नहीं, वो तन्नु. ठीक है, और अब तुम्हें ये बोल दिया जाए कि उसकी क्या निकालो, करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू, आइगन वैल्यू. 3x3 की मैट्रिक्स ही पूछ ले तुमसे, फिर वहां पे दिक्कत आएगी ना, क्योंकि 3x, ओके किसी और का होगा. अगर तुम्हें 3x3 की कोई मैट्रिक्स दे दे और वहां से उसकी तुम करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखो, सुन रहा है उसको तुम्हारा सारा, अच्छा तभी सुनाएगा, ओके. तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप, फॉर्मूले है वो फरारी मेथड और वो डिस्कार्ड मेथड है, लेकिन वो अपने आप में ही बहुत सारे मतलब लेंथी है, तो वो सब यूज नहीं करेंगे. तो कहीं भी एग्जाम में दिया हुआ तुम्हें कि 3x3 की मैट्रिक्स, कई बार पूछा हुआ है, 3 नंबर में डायरेक्टली उसकी आइगन वैल्यू पूछी हुई है कि 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, देन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, है ना, गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में बहुत बार. लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन में वो कुछ ऐसी टेक्निक देगा कि रिजल्ट हम करेंगे कि अगर ये है तो उसकी आइगन वैल्यू ये होगी, तो वहाँ से एक आइगन वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी. और 3x3 की कोई पॉलीनोमियल है और ए तुम्हें पता चल जाए तो सिंथेटिक डिवीजन से 2 डिग्री की पॉलीनोमियल आ जाएगी. सिंथेटिक डिवीजन आता है करना सभी को, पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करना, वहाँ से 2 डिग्री की पॉलीनोमियल आ जाएगी. उसको सोल्व कर लो मैथमेटिकल फॉर्मूले से और वहाँ से आप तीनों उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. तो आप इससे ऐसे सोल्व करोगे. कई बार क्या होता है, नहीं भी पता लगता, एक आइगन वैल्यू नहीं भी पता लगता, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले आप 0 को ट्राई करोगे, फिर 1 को ट्राई करोगे, फिर -1 को, फिर 2 को, फिर -2 को, फिर 3 को, 5 तक ट्राई करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा ही देगा मैट्रिक्स तुम्हें कि -5 टू लेके 5 तक एक आइगन वैल्यू उसकी हो. ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू करेंगे तो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स से आप बता सकते हो कि इसकी एक आइगन वैल्यू तो ये है और 2 बाकी किससे निकाल लो, सिंथेटिक डिवीजन से. ठीक है, एक आ गई फिर 3 डिग्री. लेकिन अगर 4x4 की दे दे, फिर काम और भी लेंथी है. अगर तुम्हें 4x4 की कोई तुम्हें मैट्रिक्स दे दे तो वहाँ से तुम इसकी आइगन वैल्यू नहीं बता सकते तुम, है ना. तो इसीलिए आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा डायगनलिटी का, क्योंकि मैट्रिक्स डायगनलिजिबल है या नहीं है, है ना. और एक और कॉन्सेप्ट आएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो वहाँ से आप बता सकते हो कि एक 4x4 की मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी. और अब हम कुछ मेथड भी लिखेंगे डायरेक्टली कि आपके पास अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली आप उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो. 3x3 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो 4x4 की के लिए अप टू सो ऑन. नहीं आती लिखनी तो आप इसको सोल्व कर लो. क्या सोल्व करोगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. जैसे तो हमें ये दे दे, एक मैट्रिक्स दे दी ए, A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स दे दी तुम्हें, ओके. और अब तुम्हें इसकी क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए. तो आप इसमें से माइनस लैम्डा इंटू 1001 ये सब ऐड करोगे और इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे. ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए आप ये ले लो ABCD. ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू 1001, तो
ये तुम्हारे पास हो जाएगी a माइनस वन बी ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा। ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स आई है ना, ये तुम्हारे पास a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स आई है, और तुम्हें क्या चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा a माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट। इसको क्या कर दो ओपन, ये हो जाएगा a माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा और माइनस बी इंटू सी, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ए डी, ठीक है, माइनस ए लेमडा माइनस डी लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस बी सी। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लेमडा स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज लेमडा स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिकॉज अगर तुमने ए मैट्रिक्स ये ले रखी है यहाँ से, तो ए का जो ट्रेस है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ए प्लस डी के इक्वल, और जो डिटर्मिनेंट है ए का वो किसके इक्वल आ जाएगा ए डी माइनस बी सी के इक्वल। तो बार बार इतना सारा काम तुम्हें ना करना पड़े कि ए लिखो फिर माइनस लेमडा इंटू आई करो फिर मैट्रिक्स लिखो फिर उसका डिटर्मिनेंट भी ओपन करो, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर डायरेक्टली 2x2 की मैट्रिक्स है और तुम्हें उससे क्या पूछ रहा है उसकी आइगन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछ रहा है, इसके लिए इसको क्या रख दो जीरो के इक्वल रख दो, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। तो डायरेक्टली देखो जितने ऑर्डर का होगा ना, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है 2x2 की, याद रखने के लिए अल्टरनेटिव साइन चलते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई शुरू में माइनस लेके चलेगा तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा फिर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो। माइनस जीरो से किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करोगे ओके, जैसे मान लो तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू 1 2 0 3, ठीक है, या 10 ये दे रखी है ओके, और तुम्हें क्या पूछे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी। तो आप डायरेक्टली लिखोगे मैट्रिक्स है, वो इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो आप लिखोगे यहाँ से तो हो जाएगी लेमडा स्क्वेयर क्योंकि 2 डिग्री की है माइनस 4 लेमडा 3 माइनस 20 माइनस 70, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू जीरो। और ये एक 2 डिग्री के पोलोमिल है, 2 डिग्री के पोलोमिल में ए की वैल्यू तो क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 है, सी की वैल्यू क्या है माइनस 17 है। यहाँ से डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस बी बी स्क्वेयर 16 माइनस 68 प्लस आ जाएगा ना यहाँ पे ओके, और बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, क्या हुआ एकता मिस्टेक कर दी कोई हमें बता दो फिर। वहाँ से 16 प्लस 68 कर दो, यहाँ से कितनी आइगन वैल्यू आएगी 2। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से इसके आप देखो दो ही लाइन में आ गई ना, डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करोगे। तो इसमें वो सब काम करने की तुम्हें बार बार जरूरत नहीं है कि a माइनस लेमडा लिखोगे और वो सब करोगे तुम ओके। 2x2 के लिए क्लियर है। नेक्स्ट हम अगर 3x3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तुम्हें, है ना, अभी तुम्हें 3x3 की मैट्रिक्स दे दी a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये मैट्रिक्स दे दी तुम्हें ओके। और तुम्हें क्या निकालनी है इसकी आइगन वैल्यू, ठीक है, फिलहाल हम आइगन वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या निकालना सीखेंगे आइगन वेक्टर ओके। और आइगन वैल्यू निकालना तो मैंने एक लाइन में बता दिया कि a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स है, निकालो उसका डिटर्मिनेंट करो, उसके जीरो के इक्वल रख दो, वहां से उसको सोल्व कर लो। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे लिखनी है वो पॉलीनोमियल। तो अगर तुम्हें 3 डिग्री की दे दे तो 3 डिग्री 3x3 की है मैट्रिक्स, तो जो पॉलीनोमियल आप बनाओगे उसकी डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगी लैम्डा क्यूब, तो यहाँ से होगा लैम्डा क्यूब, ठीक है, यहाँ पे प्लस लेके चलो तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ओके। यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ ए कोफिशियंट किसका लैम्डा स्क्वेयर का ओके, और फिर यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएंगे 2x2 के लीडिंग माइनर, तो यहाँ से कोरस्पोंडिंग इसका आ जाएगा कैपिटल a11, ठीक है, प्लस फिर a22 और प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस
लैम्डा, और लास्ट में माइनस डेटरमिनेंट ऑफ ए। ये आ जाएगी करैक्टरिस्टिक्स पोलोमियल, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए तो इसको किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो। ओके, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा उसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जैसे ए तुमने ये दे दी, ए इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 1 1 1 1। ओके, और तुम्हें क्या चाहिए, इसकी आइगन वैल्यू चाहिए। क्या हुआ, कोई बात नहीं, इससे कर लो। क्या आएगी आइगन वैल्यू इसकी, लैम्डा क्यूब 7 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर, फ्लडिंग कोफिशिएंट लिखो यहाँ पे 6 आएगा। तीजा वो सर देना, हाँ ये एक मिनट देखना, जीरो वन और यहाँ पे क्या आएगा, इसको करना हो तो देखो पहले ए वन वन फाइंड आउट करेंगे, जिसको नहीं पता चला हो ए वन वन फाइंड आउट करोगे, इसको छोड़ दो, इसको रोज 9 9 9, फिर नेक्स्ट बीच वाले के कोरस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ दो, इसको 3 माइनस 9 माइनस 6, और फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 माइनस 0 3, तो ये +3 है ना, तो कितना होएगा ये 6, तो 6 आएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट 0 है ना इसका, तो ये हो गया 0। तो ये आ गई तुम्हारे पास लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर और +6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इसमें से कॉमन ले लो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0, दो आइगन वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 6। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 0 1 एंड 6, ये आएगी। वेरीफाई करना हो तो हाँ, रिजल्ट होता है कि आइगन वैल्यू का सम किसी मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होता है ना, ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शंस में अगर ऐसा आता है तो आप निकालने से पहले ये वेरीफाई करोगे, और वहां से मैक्सिमम 2 या 3 ऑप्शन, कई बार तो 3 इकट्ठे हो जाते हैं। पार्ट बी में पूछा गया है कितना एसएम इसके ट्रेस 7, आइगन वैल्यू का सम 7, तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो होगी ही होगी, ठीक है। यहाँ से 3 3 1 लिख लो आइगन वैल्यू, मान लो ऑप्शन में देखो 3 3 1, वो तो इक्वल है, लेकिन वो जरूरी थोड़ा आइगन वैल्यू, वो तो नहीं है इसकी। फिर डिटरमिनेंट पे जाएंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, सारे सारे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर दोगे तो उस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है, तो उस अप्रोच से हम देखेंगे। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 4x4 के लिए कौन एक्सप्लेन करेगा, मान लो तुम एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, कितने क्रॉस कितने की दे रखी है, 4x4 के लिए, यानी ए वन वन
A12, A13, A14 एंड अप टू सोन A44। इसके लिए डायरेक्टली तुम्हें क्या लिखनी है? आएगी नहीं, क्यों? आता नहीं है, लेकिन कई बार जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के में देखे वो आपसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में पूछ पढ़ोगे तो वहां से 4x4 की दे सकती है, दे सकता है। और कई बार जरूरी नहीं, दे भी सकती है, जरूरी नहीं कि आपके माइंड में आए कि ये एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन रही है या जॉर्डन मैट्रिक्स बन रही है, नहीं बन रही, ब्लॉक बन रहा है नहीं बन रहे, तो आप तो आपके लिए तो 4x4 की मैट्रिक्स है। तो अगर बताने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा दे रखी हो तो पैटर्न बनता है, क्या बनता है कि आप इसको स्टार्ट करोगे लैम्डा रेज टू पावर 4 से माइनस, यहाँ पे उसका ट्रेस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा रेज टू पावर 3। हाँ हाँ, 4x4 के लिए कोई पूछता नहीं है मैट्रिक्स के लिए, लेकिन ब्लॉक मैट्रिक्स देगा तुम्हें हो या कंपेनियन मैट्रिक्स देगा, ऐसा कुछ देगा, आप डायरेक्टली वहाँ से उसका डिटरमिनेंट बता सकते हो, ठीक है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार या दो बार। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर n क्रॉस n के लिए हो उसे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है? ओके, तो क्या पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? पहले 2x2 के लिए लिखी, फिर 3x3 के लिए लिखी, अब 4x4 के लिए लिख रहे हो, तो ये ऐसा पैटर्न आएगा, प्लस माइनस साइन चलेंगे। एक तो यहाँ पे ट्रेस क्या है, ये 1x1 के लीडिंग माइनर है, फिर यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस, यहाँ पे लिख दो प्लस, है ना, यहाँ पे लिख दो S1 और यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख दो माइनस और यहाँ पे S2, यहाँ पे लैम्डा, और फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे S2 आएगा, यहाँ पे S3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A=0। यानी पहले 1 के माइनर का सम आएगा जिसको हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? ट्रेस क्या है, 1x1 के लीडिंग माइनर है उनका सम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 2x2 के जितने भी तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे लिखा था ना मैंने, ये लिखा था A11, A12, A22, A33, यहाँ पे तो 1 के लिए आ गया, फिर 2x2 के लीडिंग माइनर, ठीक है? और फिर 3x3 का तो 1 ही बनेगा ना, =0। सिमिलरली अगर 4x4 के लिए लिख रहे हो तुम यहाँ पे, तो ये सम है, S4 सम 2x2 के जितने भी है, ओके, लीडिंग माइनर, फिर 3x3 के लिए, और फिर उसका डिटरमिनेंट, ओके, लीडिंग माइनर। नहीं समझ में आया लीडिंग माइनर क्या होते हैं? लीडिंग माइनर होते हैं, लीडिंग माइनर क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए उसके लीडिंग माइनर चाहिए, तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले कितने आएंगे, ठीक है? हाँ, बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन तभी तो बोलो 4x4 के लिए कोई पूछता नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए तुम्हें, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तुम्हें कि कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो तुमसे ये पूछ ले कि यहाँ पे कितने कितने माइनर का सम करना पड़ेगा, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स लेके चल रहे हो, और कितने ऑर्डर के तुम्हें चाहिए, 2 ऑर्डर के लीडिंग चाहिए टोटल, टोटल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल माइनर है, वो तुम्हारे पास कितने बनेंगे, 4C2 बनेंगे, ठीक है? मैं बता देता हूँ कैसे बनते हैं, ये बनेगा A21, A22, A23, A24, यहाँ पे बनेगा A31, A32, A33, A34, यहाँ पे बनेगा A31, A41, A42, A43, है ना? तो पूछ ले तुमसे कितना आंसर आएगा इसका, 6 आएगा इसका। देखो कैसे बनाते हैं, अब इनका सम करना है तो तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फिक्स कर दो A11, A12, A21 और A22, ठीक है, प्लस नेक्स्ट इनको हटा दो, ठीक है, फिर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना? ये हो जाएगा तुम्हारे पास A11, A13, A31 और A33, है ना? आप ये सब मैट्रिक्स बोलते हैं, सब मैट्रिक्स तब होती है जब एक कॉलम में सेम रो को आप हटा दो वहां से, है ना? तो हमने क्या किया, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को हटा दिया, फिर यहां से, यहां से और यहां से लिख दिया, फिर प्लस इसको फिक्स रखो A11 और फिर क्या करो A14, है ना, A14 और फिर A41 और A44, ये आ गई, है ना, ये डिटरमिनेंट है, 3 आ गए। और फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा A22, A23, A32 और A33, यह आ जाएगा तुम्हारे पास A22, A23, A32 और A33, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा A22, A24, है ना, A22, A24 और फिर A42 और A44, और लास्ट वाला ये आ गया, ये नुकन यू का यू A33, A34, A4, कितने बन गए,
ऐसे निकालते हैं, ये टू इनका सम कर दोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एस टू के इक्वल आएगा। फिर एस थ्री के लिए ऐसे ही देखोगे, एस थ्री के लिए तो आसान है ना, तीन ही बनेंगे, फोर सी थ्री कितने, चार बनेंगे ना। पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आ गया सेकंड, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वो आ गया, फिर इसके इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी लिख दो, और फिर इसके लिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आ गया, तो चार बनेंगे, वो तुम्हारे पास थ्री, ये डेटरमिनेंट तो आता ही तुम्हें, उस डेटरमिनेंट को एक ही बनेंगे, फोर सी फोर क्या होता है, फोर सी फोर क्या होता है, वन होता है। तो ये पैटर्न चल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स दे दे तो निकालने की जरूरत है नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर है। अब कोई बच्चा एन के लिए बता सकता है क्या होगा, एन के लिए अगर तुम्हें तुम्हारे पास है, तो पहले स्टार्ट करोगे लैम्डा रेज़ टू पावर एन माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर एन माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे एन माइनस टू, हाँ यहाँ पे क्या वन वन के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे टू के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एन माइनस टू, ऐसे चलते चलेंगे लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर, क्या कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर नहीं पता, माइनस वन रेज टू पावर एन और इज इक्वल टू जीरो, तो एन क्रॉस एन के लिए ये आ जाएगी। ओके तो अब तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स दे दे, निकाल सकते हो उसकी आइगन वैल्यू, दो एक मैट्रिक्स ये दे दी मैंने, तीन क्रॉस तीन की दे देता हूं, मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू फोर वन माइनस वन टू फाइव माइनस टू वन वन टू, बताओ क्या आएगी थ्री क्रॉस थ्री की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस इलेवन लैम्डा स्क्वायर माइनस या प्लस का, प्लस थर्टी नाइन लैम्डा माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये है। और ये मैट्रिक्स नेट के एग्जाम में पूछी गई थी, इसकी इसको डायगनलिजिबल बताना था है या नहीं, आगे जाके करेंगे हम। एक बार, अब की बार ही नहीं, एक बार, मतलब नेट का क्वेश्चन नहीं है, नेट में एक बार इस मैट्रिक्स को पूछा गया है। उससे क्या हो जाएगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है तन्नू,
हाँ ऐसा हो सकता है, वो बोल रही है कि फिलहाल तो मैं नहीं पता ना कि मैंने प्रॉपर्टी थोड़े बताई आइगन वैल्यू की, वो ये बोल रही है कि आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होती है, तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया है, 45 के इक्वल आया है, तो यहाँ से ये हो सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 45 कैन बी रिटन एज 9 × 5 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 इस तरह लिखा जा सकता है ना। और भी पॉसिबिलिटी है इसकी, तो क्या हो सकती है 15 × 3 ये भी हो सकती है, इसके तो ये भी हो सकती है 1 × 45 ठीक है, या 1 × 1 × 45 ये भी हो सकती है, दूसरी 1 × 9 × 5 ये भी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ठीक है। नहीं 3 × 3 = 5 है जरूर थोड़ा यही हो कि क्या पता मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 × 1 = 45 आ रही हो, अगर तुम सिर्फ डिटरमिनेंट अप्रोच से कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर हम ट्रेस पे जाएंगे ठीक है, अप्रोच सही है तन्नु की कि आप सबसे पहले पॉसिबिलिटी देख लो कि देखो अगर तुम करोगे यहाँ पे, ये तुम्हारे पास अगर डायरेक्टली नहीं बता सकते तुम इसकी आइगन वैल्यू, नहीं डायरेक्टली मैट्रिक से बता सकते यूजिंग रिजल्ट, तो मैंने बताया था कि -5 to 5 तक क्या देखेंगे इसकी हिट एंड ट्रायल मेथड से, सबसे पहले वन को चेक, सबसे पहले जीरो को चेक किया नहीं आ रहा, फिर वन को चेक करेंगे, फिर -1 को, फिर 2 को, -2 को, और हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें ये देखना होता है कि क्या सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही वैल्यू पुट करके ठीक है, माइंड में ही करना होता है कि हाँ जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, फिर जीरो नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पे चलेंगे, तो यहाँ पे चेक करो आप क्या आएगी इसकी, 1 3 आ रही है, 3 × 3 = 5 आएगी, यहाँ से साइमल्टेनियसली आप डिटरमिनेंट और दूसरा किसका ट्रेस ऑफ ये लगा सकते हो तुम, क्योंकि 3 × 3 = 5 = 11 है ना, तो 3 × 3 = 5 का सम कितना है, पॉसिबल है, ये नहीं है पॉसिबल है ना, 18 हो जाएगा, 5 और कौन सा भी नहीं है, 3 × 3 = 5 आएगी इसकी आइगन वैल्यू ठीक है। ओके तो आप किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो कुछ रिजल्ट है, ये तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहे हैं, मान लो कुछ रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट समझो क्या है, फर्स्ट रिजल्ट ये है कि कोई भी तुम्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, लीनियर ऑपरेटर है टी फ्रॉम वी टू वी, कोई लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, तो इसकी लैम्डा आइगन वैल्यू होगी टी, इज लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स टी, है ना, ये रिजल्ट है। यानी अगर तुम्हें टी की तुम्हें कोई आइगन वैल्यू देखनी है, यानी टी डायरेक्टली आप देखोगे वेक्टर अप्लाई करोगे, फिर वहां से लैम्डा कॉमन लोगे, फिर एक टपल आ जाएगा, वो वही होगी वो जब आप टी की तुम मैट्रिक्स बनाओगे, उस मैट्रिक्स को तुम क्या बोलते हो, ये बोलते हो ना, तो इस ए बोल दो, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ टी, जरूरी थोड़े ये बोलो आप टी बोलो, तो ए की अगर आइगन वैल्यू होगी लैम्डा तो वो टी की भी आइगन वैल्यू होगी, और टी की आइगन वैल्यू होगी तो उसकी मैट्रिक्स की भी होगी, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका है ना, कि तुम्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू चेक करनी हो तो आप उसकी मैट्रिक्स ही चेक कर लो। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना, तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालोगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो आ ही जाएगी ठीक है। फिर हो सकता है नेक्स्ट रिजल्ट कि तुम्हें ऑर्डर बेसिस अलग दे रखी हो, ओके टी तुम्हें लीनियर ऑपरेटर दे रखा हो, वी टू वी ये दे रखा है तुम्हें, ओके और वी कोई भी तुम्हारे पास वेक्टर है, ओके लिख देता हूँ मैं इस रिजल्ट को एक बार, लीनियर ऑपरेटर है, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ टी, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस बी ऑफ वी, देन ए वेक्टर वी belonging to V is an eigenvector of T
corresponding to eigenvalue lambda if and only if its coordinate vector x relative to standard basis b is eigenvector of a corresponding to eigenvalue. ये result है. क्या स्टैंडर्ड बेसिस बी यूट्यूब वाले तुम ही हो इसमें यूट्यूब के लिख देना फिर मैं भी लिख दूंगा जो क्लास में बताया था वही है क्या बोल रहे हो फाइव की आज अभी क्लास से पहले ही हुआ एक वाक्य चलो रिकॉर्ड हो रही है बाद में बताऊंगा समझ में आया रिजल्ट क्या बोल रही है बता दूंगा अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या बोल रहा है कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये रिजल्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी लीनियर ऑपरेटर दे दिया वी टू बी इफ ए इज द मैट्रिक्स ए उसकी मैट्रिक्स दे दी वही टी जिसको हम बोलते हैं उसको ए बोल दिया उसने विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस बी ऑफ वी फिर उसने एक वैक्टर ले लिया कैपिटल वी का जिसको क्या बोल दिया उसने स्मॉल बी अब ये आइगन वेक्टर होगा किसका टी का जब इस वी को तुम इस ऑर्डर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग स्केलर फाइंड आउट करोगे उन स्केलर को वेक्टर बनाओ तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर वेक्टर अगर वो कोऑर्डिनेट वेक्टर उस मैट्रिक्स का क्या बन जाए आइगन वेक्टर तो जो तुम स्मॉल वी लेके चल रहे हो वो उस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा आइगन वेक्टर बन जाएगा ये बोल रहा है ना देखो आइगन वैल्यू तो सेम होगी दोनों तरफ क्या लिख रखा है लैम्डा लिख रखा है ना समझ नहीं आया देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली एक तुम्हें उसकी मैट्रिक्स ले ली तो बोल रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग तो तुम उसका वेक्टर लोगे स्मॉल वेक्टर ले लिया स्मॉल वी बोल दिया उसने तो बोलता है कि वो स्मॉल वी उस टी का आइगन वेक्टर होगा अगर उस स्मॉल वी के कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम ऑर्डर बेसिस कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्केलर का कोऑर्डिनेट लेके आओ उसको क्या बोलते हैं वो कोऑर्डिनेट वेक्टर लेके आओगे यू बी जिसको बोल रहे हैं हम आज बोल रहे थे अगर वो उसकी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर बन जाए तो नहीं समझ आया नहीं आया देखो तुमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब और तुमने एक बेसिस ले ली बी चलो एक रिजल्ट और हो जाएगा यहाँ से हम क्या ले लें स्टैंडर्ड बेसिस ले लें ये ले ली मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये ले ली तुम्हें देखो रैंडम ले रहा हूँ मुझे नहीं पता बनेगा या नहीं बनेगा रिजल्ट क्या बोल रहा है वो मैं देखूंगा तो इसमें क्या है तुमने क्या लिया इसका कोई भी वेक्टर ले लिया आर क्यूब का तो वो ले लिया एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर क्यूब जिसको हम क्या बोल रहे हैं वी बोल रहे हैं रिजल्ट में ठीक है क्लियर है अभी बोलता है कि वी इस टी का आइगन वेक्टर यानी टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी तब बनेगा इफ एंड ओनली इफ ये तो बोल रहा है फर्स्ट में इफ एंड ओनली इफ से ऊपर वाली लाइन में ये तीन लाइन है इसमें ये बोल रहा है कि इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस बोल दिया वी बोल दिया इज ए आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा ये इफ एंड ओनली इफ और तुम इसकी मैट्रिक्स क्या लेके चल रहे हो टी की ए लेके चल रहे हो जब इस तुम वी को ये लिखोगे ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 010 प्लस सी इंटू 001 ये जरूरी नहीं है
कि ये स्टैंडर्ड बेसिस ही हो। हमने क्या लिखा है वहां पे, कोई भी एक ऑर्डर्ड बेसिस है ना, कोई भी एक ऑर्डर्ड बेसिस होगी, सम ऑर्डर्ड बेसिस बी, तो इसे कोरस्पोंडिंग लिखोगे तुम। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है उसको क्या बोल दिया तुमने, कैपिटल एक्स, वो तुम्हारे पास हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। जब ये एक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर ए का क्या बन जाए, आइगन वेक्टर, यानी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एक्स, तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये है रिजल्ट, ठीक है। यानी मैट्रिक और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पोंडिंग सेम आइगन वेक्टर को अगर रिलेट करवाना तो ऐसे करवाते हैं हम। ये अलग अलग है, यहाँ पे आइगन वेक्टर अलग है और यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड बेसिस ले ले, ऑर्डर्ड बेसिस की जगह मैंने स्टैंडर्ड बेसिस कर दिया होता तो यहाँ पे क्या चेंज आया बताना, खुद ही बन जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है तो तुम वी लोगे तो ए क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हो देन वी इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, नया रिजल्ट ये बन जाएगा कि अगर तुम स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हो तो एक वेक्टर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर तभी बनेगा इफ एंड ओनली इफ, अगर वो आइगन वेक्टर किसका, उसकी मैट्रिक्स का भी हो। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हो तो रिजल्ट इस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे पास सेकंड रिजल्ट होगा। इज दैट क्लियर क्या बोला गया है, अगर तुम्हें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर चेक करना हो तो उसके कोरस्पोंडिंग, उसके बेसिस के कोरस्पोंडिंग उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लो, उसके मैट्रिक्स का अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर आइगन वेक्टर बन रहा है तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी बन जाएगा। इतना यूज नहीं है, मैंने कितनी बार बोल लिया कि मैट्रिक्स पे ही काम करेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में वो मैट्रिक्स का जिक्र ही नहीं करता किसी क्वेश्चन में, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेगा, तो वहाँ पे ऐसा काम आप कर सकते हो, ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जब भी, तो तुम्हें बेसिस दे रखी है और लीनियर ऑपरेटर है तो सेम बेसिस का काम करोगे आप, वहां से उसकी मैट्रिक्स आएगी। इज दैट क्लियर, तो ये थे कुछ रिजल्ट लीनियर ऑपरेटर के और मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग। आइगन वैल्यू निकालनी आ गई, निकाल सकते हो 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, 4x4 के लिए, मैक्सिमम रेयर चांस है कि आपसे वो 4x4 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछेगा, वरना 3x3 तक ही पूछेगा वो आइगन वैल्यू, ओके। उसके लिए आप और कुछ रिजल्ट होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होगी, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, बाकी करेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे सिंथेटिक डिवीजन से 2 डिग्री पॉलीनोमियल आ जाएगी, उसको सॉल्व करके वहाँ से आ जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि आइगन वैक्टर कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। अभी कॉम्प्लेक्स करवाओगे?